हेलो व्यूअर्स, मैं एस एन शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस आइडियाज लेकर आपके साथ हाजिर होता हूं। और आज इसी श्रेणी में मैं आपके लिए लेके आया हूं पांच वो बिजनेसेस जिनको शुरू करने पर आपको कम से कम मिनिमम एक्सपेंसेस, मिनिमम खर्चे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सज्जनों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप मेरे साथ 10 मिनट बिताइए। 10 मिनट तक आप ये बिजनेसेस के बारे में पूरा देखिए, सुनिए और फिर उसके बारे में निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक मिनट क्लिक किया और चले गए साइट छोड़ के, ऐसा नहीं। आप शुरू कीजिए और मैं पहला बिजनेस आइडिया बताता हूँ आपको कि आप कोचिंग, कंसल्टेशन और ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं। सज्जनों, हर आदमी किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही मास्टर होता है और उस सब्जेक्ट से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर हैं, उसकी आप कोचिंग करा सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी सब्जेक्ट्स आपके, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप उस सब्जेक्ट के कोचिंग करवा करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। छोटे छोटे शहरों में ये बिजनेस बहुत ही फल फूल रहा है। 25-25 साल के जवानों ने, नौजवानों ने इस क्षेत्र में अपने तरीके आजमाए हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज कोचिंग का बिजनेस ऑनलाइन भी हो रहा है, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। आप कोई भी, आप शहर में हो, जहां आप एक एकांत जगह में, शांत जगह में एक मकान किराए पर लेकर, जिसमें अच्छे बड़े बड़े हॉल्स हों, वहां आप ये कोचिंग का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपको किसी एक सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। उसमें आप धीरे धीरे करके आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। बच्चों को कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है अच्छी शिक्षा के लिए, और अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना हर जगह मुमकिन नहीं है। इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर हैं, आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी तैयारी है, तो आप उस सब्जेक्ट की कोचिंग करवा सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपये भी कमा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको तल्लीनता के साथ और बहुत ही अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा और आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो मैं बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जाइएगा मत। आप यदि बिजनेस कुछ आइडियाज लेने चाहते हैं तो 10 मिनट का टाइम आपको देना ही होगा। और उसका दूसरा बिजनेस है इंश्योरेंस एडवाइजर। सज्जनों, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को इसकी ज़रूरत रहती है। भारत का हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने जीवन में रहते सहते बहुत कुछ कमाता है, मगर अपने जीवन के बाद भी वो अपने परिवार को सुरक्षित, खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए वो इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरेंस में बहुत अच्छी कमाई है, इसमें 10 से लेके 25 और 30% तक का कमीशन मिलता है। आप यदि इंश्योरेंस के एडवाइज़र बन जाते हैं तो थोड़े से वक्त में आप अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बहुत अच्छा धंधा है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो लेनी होती है, और वो ट्रेनिंग लेकर के आपकी एक एग्ज़ाम लगेगी। उस एग्ज़ाम में आप निश्चित रूप से पास आ जाएंगे, क्योंकि वो साधारण सब्जेक्ट्स के ऊपर ही वो एग्ज़ाम ली जाती है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी पहले होती थी, आजकल ऑनलाइन हो गई, तो आप आराम से इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। इंश्योरेंस में LIC एक बहुत बड़ा नाम है पूरे भारत में। ये 70 से 75% कस्टमर LIC लेती है। इसके बाद में बजाज का भी नाम आता है, ICICI का भी नाम आता है, और कई ऐसी कंपनियां हैं, 10 ऐसी कंपनियां हैं जो वेल रेपुटेटेड हैं, और इनको रेटिंग एजेंसी के द्वारा इनकी बहुत अच्छी रेटिंग है, तो आप इनका एजेंट बन करके
लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पीढ़ियों तक का ये बिजनेस है। बहुत से आदमियों को मैंने देखा है जिनके पिताजी ये काम करते थे, बेटे ये काम करते हैं, और LIC में बहुत अच्छा, इंश्योरेंस में बहुत अच्छा स्कोप है। आप इसको आजमाइए और अपना भाग्य आजमाइए। एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सज्जनों, कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसमें घाटा होने की, लॉस होने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसमें हर आदमी सफल नहीं होता। तो आपको यदि बिजनेस में कहीं डर लगता हो, लॉस आने का डर होता हो, तो आप ये LIC का इंश्योरेंस लेकर के, इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के LIC, बजाज, ICICI, इनके इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इनके साथ जुड़िए और एजेंट बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छा काम है, कोई रिस्क नहीं है। आपको अच्छे से काम करना है। जो भी इन LIC कंपनीज के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन नॉर्म्स के अनुसार आप काम कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके साथ में और भी कई बिजनेस हैं, वो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में प्रतिदिन बताता हूँ, और आप देखते जाइए। नमस्कार।